दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 15x50 होम डिज़ाइन की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप हमारा ये वीडियो देख रहे होंगे और स्क्रीन पर ये मॉडल देख रहे होंगे, इसकी साइज़ की बात करूँ तो 15 फीट इसकी चौड़ाई है और लंबाई की बात करूँ तो ये 50 फीट की लंबाई है। तो 15x50 होम डिज़ाइन विथ कार पार्किंग के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और यहाँ पर आपको एक बेहतरीन सा लुक मिलेगा। और आखिर इसका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर मैंने डिज़ाइन किया है। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर ये मॉडल मैंने डिज़ाइन किया। फ्रंट से देख पा रहे हो कि सामने से मॉडल आपको ऐसा दिखेगा और टॉप की बात करें, मतलब ऊपर से बात करें, तो आप भी मॉडल ऐसा देख सकते हैं। साइड की बात करें तो साइड में आपके थ्री साइड्स क्लोज्ड मकान है दोस्तों, फ्रंट से ही ओपन है। तो इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। बने इस वीडियो में लगातार, मैं हूं पवन झागड़े और आप देख रहे हैं दोस्तों अपना चैनल स्मार्ट हाउस प्लान। दोस्तों अगर मोबाइल फ़ोन पर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपका जैसे वीडियो प्ले होता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें इसे लाइक बटन पर क्लिक करके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ऐसे घर के नक्शे पाने के लिए, तो रेड कलर का ये बटन दिखता है सब्सक्राइब लिखा है, इस पर क्लिक कर दें और साथ साथ ही घंटे का निशान और ऑल पर क्लिक कर दें। इसमें आपको बेनिफिट ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा, कोई अपडेट डालूंगा, तो आप तक ये जानकारी पहुँच जाएगी कि स्मॉल हाउस प्लान से वीडियो डाला गया, उसको आप वॉच करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसका करने के बाद चलो अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, पूरा प्लान कितने इसमें रूम है, कितने बाई कितने के, और इसका क्या पूरा प्लानिंग है। तो चलो डिस्कस करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले इसको फिर हमेशा की तरीके से इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहूँगा दोस्तों। जैसे मॉडल में ट्रांसपेरेंट करता हूँ तो आपको दीवारें सारी हाइड हो जाती हैं, अंदर तक पूरा आपको सब कुछ दिखने वाला होता है। देखिए वो ट्रांसपेरेंसी में भी मॉडल और भी बेहतरीन लगता है। फ्रंट की बात करें तो दीवारें ज़्यादातर हाइड हो गई हैं और अंदर तक आपको ये मॉडल पूरा दिख रहा है ट्रांसपेरेंसी में। तो ये मॉडल पूरा हम डिस्कस करते हैं। तो इसकी ट्रांसपेरेंसी आप जैसे रिमूव करते हैं फिर से आ जाता है अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर। तो चलो ओरिजिनल पोजिशन पर आप इसको हम चलते हैं फर्स्ट, मतलब ग्राउंड फ्लोर पर। ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो फ्रंट से सामने से मकान ऐसा दिखेगा। ये इसका डोर है और इस पर भी आपको डोर लगाना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप कार पार्किंग करते हैं तो आपको फिर एक बड़ा सा डोर लगाना पड़ेगा अगर आप कार पार्किंग की व्यवस्था यहाँ करते हैं, अन्यथा अभी स्मार्ट डोर लगा सकते हैं। और यहाँ पर आप एक ग्राउंड टाइप का भी आप बना सकते हैं, छोटा सा प्ले ग्राउंड। आप जैसे आप एंटर करते हैं तो सबसे पहले ये दोस्तों डिजाइनिंग के पार्ट्स हैं जो आपको दिख रहा होगा। ये कार पार्किंग के लिए जगह है, ये बड़ा सा स्पेस आपको मिल जाता है। इसके बाद आप एंटर करते हैं मेन घर में, तो मेन डोर फिर इसके बाद ये है और एक विंडो दिया मैंने इस वाले रूम, ये आप रूम देख रहे हैं, इसके लिए बाहर से विंडो दिया है। ये वेंटिलेशन का, सॉरी ये दूसरा डिजाइनिंग का पार्ट है। जैसे आप मेन डोर से एंट्री करते हैं तो ये आपको गैलरी मिल जाती है और सबसे पहले एक बेडरूम मिल जाता है, इसको गेस्ट रूम बोल सकते हैं, मास्टर रूम बोल सकते हैं। और इसका जो डोर दिया मैंने यहाँ से दिया, इसके विंडो बाहर से वेंटिलेशन का प्रॉपर ख्याल रखा है और यहाँ पर आप जो भी चाहें वो रख सकते हैं। अब इसका जैसे आप गैलरी से एंटर करते हैं आगे, फिर आपको मिल जाता है यहाँ पर लेटरिन एंड बाथरूम कम्बाइंड है दोस्तों। यहीं बगल में आपको स्टेयर्स, मतलब ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ मिल जाती हैं जो कि आपको फर्स्ट फ्लोर तक पहुँचाएंगी। उसी के नीचे और भी थोड़ा एरिया लेकर आपको यहाँ पर लेटरिन और बाथ पूरा कम्बाइंड मैंने क्रिएट किया है, उसके लिए आप डोर ये देख सकते हो। इसके बाद जैसे आप फिर से एंटर करते हैं तो सबसे पहले फ्रंट में आपको सामने ये जो दिख रहा है गैलरी, ये आपका मिलता है किचन। यहाँ पर किचन सेट है दोस्तों, आप देख सकते हैं किचन सेट पूरा अपना, और ये किचन आपका यहाँ पर है। इसके लिए डोर सामने से ही है, मैंने यहाँ पर डोर जाली वाला दिया क्योंकि यहाँ पर गैस और किचन कहीं की भी हो ओपन ही होनी चाहिए, क्योंकि कभी भविष्य में अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि यहाँ पर गैस वैस जलती रहती है तो उसका प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन, उसमें गैस अगर कहीं लीक भी करती है घर बाहर निकल जाए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये वाला डोर दिया है। इसके बाद एक आपको रूम मिलता है पीछे और इसके लिए ये डोर दिया, यहाँ से आप एंटर करेंगे ये आपका रूम हो जाता है। तो 15x50 भी आपको दो रूम विद कार पार्किंग, वैसे आप दोस्तों तीन रूम भी क्रिएट कर सकते हैं अगर कार पार्किंग नहीं रखते हैं तो, अन्यथा आपको दो रूम ही यहाँ पर बनाने को मिलेंगे। तो या तो आप इसे ग्राउंड छोड़ दें तो बेहतरीन से आपका एक प्ले ग्राउंड हो जाएगा, बच्चे आपके यहाँ पर खेल सकेंगे, नहीं तो आप कार पार्किंग के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। तो ये पूरा मॉडल इसका हो गया फर्स्ट फ्लोर दोस्तों, सॉरी ग्राउंड फ्लोर। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर। तो जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं तो फ्रंट से सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, फ्रंट से ये आप ऐसा देख पाएंगे, जो आपने स्टार्टिंग में जगह छोड़ी थी उसमें लगभग 3 से 3.5 फीट का आप छज्जा बाहर निकाल सकते हैं। और आप स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर आएंगे तो जो पीछे वाला बेडरूम था ये बड़ा हो गया, हॉल टाइप का बन गया, क्योंकि यहाँ पर जो किचन नीचे थी वो मैंने हटा दिया और पूरा बेडरूम एक क्रिएट कर दिया, बड़ा सा बेडरूम है। इसके लिए डोर ये है, एक बड़ा सा हॉल टाइप का मिलेगा
और इसके बाद आपको स्टेयर्स वही मिल जाएंगी, वही आपका लेटरिन बाथरूम मिल जाएगा। और ये आपका एक कि जो नीचे रूम था वही सेम टू सेम बिल्कुल रूम है। इसके लिए बाहर से ये प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन विंडो और इस वाले गेट से आप इस बालकनी में टहल सकते हैं, जो लगभग 3 फिट का मैंने डिज़ाइन किया है। ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप जगह का ज़्यादा यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो पिलर दिए हैं इस पर पूरा आप लेंटर डला सकते हैं, तो आपका ऊपर एक रूम और एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ऐसा भी मकान बहुत ही बेहतरीन लगता है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट फ्लोर। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दें। अब हम बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर की। तो लास्ट फ्लोर फ्रंट से आपको ऐसा देखने को मिलेगा, सामने से मॉडल ऐसा देखने को मिलता है। और जैसे ऊपर आएंगे तो ये आपका गुमटी बन जाता है उसके लिए, जिसमें आपका प्रॉपर तरीके से जो आप स्टेयर्स लाएँ सीढ़ियाँ लाएँ उनको ढक सकें, और इसमें पानी की टंकी रख के घर में पूरी सप्लाई की जा सकती है। और ये आपका बड़ा सा एक छत मिल जाता है। तो ये पूरा मॉडल था जो कि मैंने डिस्कस किया, 15x50 हाउस प्लान विथ कार पार्किंग। तो ये मॉडल कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और आपका सुझाव क्या है आप हमें ये भी बता सकते हैं। और आप कोई भी घर बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका घर का नक्शा आपको बना कर दूंगा। आप मुझे कमेंट करते रहें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें, और साथ साथ अगर आप हमारे स्मॉल हाउस प्लान चैनल से जुड़े नहीं हैं तो प्लीज़ उसे ज़रूर जुड़ जाएँ, जिससे हमारे आप वीडियो लगातार देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।